वृषभान जी, आपको अपनी पगड़ी उतार कर हमारे पैरों में रख के क्षमा मांगनी होगी। नहीं, ये अनुचित है। हमसे ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है जिसकी हम क्षमा मांगे। अद्भुत, ना ऋण पूरा देंगे और ना ही क्षमा मांगेंगे। क्यों वृषभान जी, जिस मान और मर्यादा को साक्षी मानकर हमने बरसाना को ऋण दिया था, क्या वो बरसाना अपना वचन पूरा न करने पे हमसे क्षमा नहीं मांगेगा? नियम आपने तोड़ा है तो क्षमा भी आप ही को मांगनी होगी। मेरे पिता मेरा अभिमान, बरसाना का मान सम्मान, और मैं किसी भी मूल्य पर इन्हें झुकने नहीं दूंगी। क्षमा तो मांगनी ही होगी राधा रानी। नहीं, यहां कोई आपसे क्षमा नहीं मांगेगा, ना मैं और ना ही मेरे बाबा। चलिए बाबा, आप बैठिए। आपको जो करना है कर लीजिए, किंतु क्षमा भूल जाइए। क्षमा बलम शक्ता नाम, शक्ता नाम भूषणम क्षमा। दुर्बल का सबसे बड़ा बल, क्षमा ही बलशाली का सबसे सुंदर आभूषण। अब क्षमा वो मांगे जिसने अपना वचन पूरा न किया। यदि यहां पे किसी ने आपसे 10 दिन निकलवाए थे तो वो मैं था। मैंने वचन पूर्ण न करने का अपराध किया और इसीलिए मैं ही क्षमा मांगूंगा। मैं वृंदावन के मुखिया नंद का पुत्र कृष्ण अपना सर झुकाकर, अपने दोनों हाथ जोड़कर सबके समक्ष पूर्ण विनम्रता से आपसे क्षमा मांगने के लिए सज्ज। और हां,
मैं केवल वृंदावन के मुखिया का पुत्र ही नहीं, बरसाना की मुखिया राधा रानी का परम सखा भी है। इसलिए अपनी अहंकार की तृप्ति के लिए यदि आप किसी का सर अपने समक्ष झुका हुआ देखने के अभिलाषी हैं, तो कृपा करके इसके लिए मुझे चुने। क्यों साहूकार जी? कृष्ण के सामने उसकी राधा के पिता की पगड़ी अपने पैरों में रखाओगे ताकि उस कृष्ण का चूर चूर हो जाए। जब ये स्वयं झुकने को सज्ज है तो क्यों ना हम इससे ही क्षमा याचना करवा लें? ठीक है, यदि भूल की है कृष्ण तो क्षमा तो मांगनी होगी तुम्हें। आओ झुकाओ अपना सर हमारे चरणों में। करो क्षमा याचना हमसे। नहीं कृष्ण, ये आवश्यक है राधा। वैसे भी मुखिया जी मुझसे आयु में बड़े, अब बड़ों के समक्ष झुकने में अभिमान कैसा? यहाँ अहंकार से नहीं प्रेम से काम लेना होगा राधा। जाओ कृष्ण, रुक जाओ। भूल तुमसे नहीं मुझसे हुई, इसलिए क्षमा भी तुम नहीं, मैं मांगूंगी। जीवन में किसी के समक्ष झुकना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है हमारे मन में बसा ये अहंकार का भाव, इसे झुका। आज मुझे ही झुकने दो राधा। मेरे पास हर समस्या का हल होना चाहिए। तुम निश्चिंत रहो, मैं हूँ ना, मैं उतार दूंगी ये ऋण। वैसे देखा जाए राधा तो मैंने भी अनेक अवसरों पर तुम्हारी बरसाना की रक्षा की है, तो कभी अहंकार जताकर ऐसी कोई बात नहीं की। प्रेम से बांसुरी बजा, अहंकार से नहीं। तुमने मुझे सावधान किया था कृष्ण, सचेत किया था इस अहंकार के प्रति, किंतु मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी और देखो क्या हो गया। देखो मेरे कारण तुम्हें किस यातना को भोगना पड़ रहा है।